तो महंगाई तो बढ़ेगी बढ़ेगी, जब इंडिया को तो मतलब गवर्नमेंट का भी तो पैसा चाहिए ना, तो वो कहाँ से करेगा, बाहर से बिल्कुल कर्ज तो लेगा नहीं पुरानी पुरानी सरकार की तरह। अभी नई सरकार जो है वो अपने ही मेहनत पे काम कर रही है जिससे वो कर पा रही है। भाई, हम अगर टैक्स भर गए टाइम टू टाइम तो महंगाई ऑटोमेटिक कम होगी, जब हम टैक्स नहीं भरेंगे तो महंगाई तो और बढ़ेगी। सरकार ने 720-720 रुपए करके फ्री में वैक्सीन लगवाए, बिल्कुल वो पैसा कहाँ से आएगा। महंगाई तो भाई साहब गरीबों का जीना दुश्वार हो गया है। मैं संतोष चौबे न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आया हूं सेक्टर 12 में। यहां पर कुछ बुजुर्ग बैठे हैं, कुछ बच्चे भी हैं, नौजवान लड़के हैं। आज मैं इन सबों से जानना चाहता हूं कि महंगाई के बारे में इनकी क्या राय है, क्या ये संतुष्ट हैं या इनको प्रॉब्लम है। तो चलिए आज इन लोगों से पूछते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ। तो सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद नजीर है। अच्छा, आप क्या काम करते हैं भैया? सिलाई काम करते हैं। सिलाई का काम कहाँ? सेक्टर 10 में? सेक्टर 10 में करते हैं। अच्छा, आइए बताइए कि आप महंगाई के बारे में आपकी क्या राय है? महंगाई तो भाई साहब गरीबों का जीना दुश्वार हो गया है। अच्छा, महंगाई तो चरम सीमा पार कर गई है भाई। पहले 400 का सिलेंडर मिलता था, अब 1100 का मिल रहा है। अच्छा, और धीरे धीरे GST से तो इंडिया त्रस्त हो ही गई है। दूध का दाम बढ़ गया है, चावल आटा। अच्छा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में कोई एजुकेशन है ही नहीं। अच्छा, सरकारी स्कूलें गिरी पड़ी हैं, न पढ़ाई होता है, न कोई मतलब कि कोई एजुकेशन नहीं है न। और इंडिया का तो वही हाल है भाई, क्या किया जाए, किसी तरह से हम लोग ज़िंदगी काट रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुकेश है। मुकेश जी ये बताइए क्या काम करते हैं, पढ़ते हैं? पढ़ते हैं, किस क्लास में? क्लास 12th में हूँ, कॉमर्स स्ट्रीम से हूँ। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि महंगाई के बारे में आपका क्या कहना, आप नवा नवयुवक लड़के हो भारत के। महंगाई के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। अभी अंकल ने बोला कि क्या बोला था कि हाँ दूध के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल महंगा हो रहा है, गैस का सिलेंडर। अंकल से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। अभी हम लोग को पता है कि हमने अभी बहुत लंबा कोविड से सफ़र किया, कितना गंदा हुआ था, बहुत गंदा। सरकार ने 720-720 रुपए करके फ्री में वैक्सीन लगवाए, बिल्कुल वो पैसा कहाँ से आएगा? वो पैसा भी तो आएगा, बिल्कुल बिल्कुल वो पैसा भी आएगा। इतने सारे राशन बटे, अब अंकल को नहीं मिला, जाहिर सी बात है नहीं मिला, मैं मानता हूँ, बिकॉज सरकार एक को नहीं देखेगी, पूरे इंडिया को देखेगी ना। हाँ, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, सबको संभालना गवर्नमेंट के लिए दिक्कत तो आता ही है। अंकल छूट गए उसमें भी, अब सरकार की गलती तो है नहीं, नहीं है। 720-720 रुपए के क्या कहते हैं वैक्सीन फ्री में बटे, वो पैसा कहाँ से आएगा? बाहर से वैक्सीन आए, बिल्कुल बिल्कुल, वो पैसा कहाँ से आएगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये बताइए कि जो फैसिलिटी आपको गवर्नमेंट की तरफ से आती है वो मिलती है? बिल्कुल मिल रही है। तो ये तो बड़े भैया तो कह रहे हैं हमको कुछ मिलता नहीं, कागजों में नहीं रहे, आगे आ रहा है। थोड़ा सा भाई अवेयर होना पड़ेगा हर चीज़ के लिए, गवर्नमेंट घर में घुस घुस के नहीं देगी सबको, आपको खुद जाना पड़ेगा, थोड़ा सा तो अवेयर करना पड़ेगा। अब घर में डिलीवर, अब हमने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर दिया, घर पे सामान आ रहा है, लेकिन पैसे दे रहे हैं ना उसके, फ्री का सामान है, थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है। बिल्कुल। अच्छा सोनू जी बताइए आप किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं BA फर्स्ट ईयर में हूँ। BA फर्स्ट ईयर में, आप ये बताइए कि महंगाई के बारे में आपका क्या कहना है? एक्चुअली महंगाई तो बढ़ रही है, पर जिस तरह से देखा जाए पॉपुलेशन, अगर महंगाई है तो जाहिर सी है कि जिस तरह से पॉपुलेशन है उस हिसाब से जो सरकार जो है अपना सहयोग कर रही है उसके हिसाब से अधिक कर रही है। पिछले साल में मैं देख रहा हूँ, अपने आँखों के सामने देख रहा हूँ कि महंगाई टाइम टाइम पर बढ़ रही है, वो तो है, पर सरकार अपने हिसाब से जितना एफर्ट कर रहा है, मेरे को लगता है कि सरकार अपनी जगह पर ठीक है। और जनता जो है, महंगाई फर्स्ट ऑफ ऑल बढ़ क्यों रही है? ये पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, महंगाई का सबसे बड़ा कारण तो पॉपुलेशन है, बिल्कुल। अब इतने सारे फैक्ट्री कंपनी वगैरह है, बेरोजगारी बढ़ रही है, ठीक है, कंपनी अपनी जगह पे है, जनता अपनी जगह पे है, बिल्कुल, पर इतनी सारी पॉपुलेशन में बेरोजगारी भी है। अब बेरोजगारी है तो जो बंदे जो गरीब घर से बिलोंग करते हैं वो अपना दूध चावल वो क्या है, रोज कमाना है, रोज खाना है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, तो उनको कहीं ना कहीं लगता है कि बेरोजगारी महंगाई जो है काफ़ी ज़्यादा है। अभी मैं खुद ये कह सकता हूँ कि महंगाई के बारे में 2-3 साल में अगर मैं पहले निकलता था घर से दूध के लिए
तो दूध करीबन 20 रुपए का था और अभी के टाइम पे 34 रुपए 23 रुपए का ऐसे हिसाब से है, तो महंगाई तो बढ़ी है। पर महंगाई बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है कि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है भारत की, क्या बताएं, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, इसके हिसाब से बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी के हिसाब से जो है गरीबी है, और गरीबी के हिसाब से जो है अपना जो गवर्नमेंट, गवर्नमेंट तो सबको कोशिश कर रही है, जनसंख्या भी नियंत्रण होना चाहिए, बिल्कुल, तभी तो लोगों को जॉब मिलेगा या जो भी फैसिलिटी मिल पाएगी। मेरा मानना यही है कि जैसे ही पॉपुलेशन जो है इंडिया की कम हो जाएगी, ठीक वैसे ही जो है गरीबी भी कम हो जाएगी और बेरोजगारी भी कम हो जाएगी धीरे धीरे, और महंगाई तो कंट्रोल में आ ही जाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सरकार अपनी तरफ से कोशिश पूरी कर रही है। आपको क्या लग रहा है कि सरकार मतलब पूरी कोशिश कर रही है, अच्छा काम कर रही है? जब से सरकार जो है मोदी की आई हुई है तब से जहाँ तक मुझे लगता है कि काफ़ी इंडिया में काम हुआ है, काफ़ी तरक्की हुई है, जितने भी फंड आ रहे हैं उसके हिसाब से जो है भारत में काफ़ी काम हुआ है। बड़े भैया इधर इधर, तो सरकार जब से आई है तब से तो काम अच्छा हुआ है। अच्छा, मेरा ये मानना है। मतलब आपको लग रहा है कि कोविड का भी प्रभाव महंगाई पर पड़ा जरूर है? देखिए सरकार के पास जितने भी फंड आया, फंड कहाँ से आया सरकार के पास, जो भी टैक्स पब्लिक भरेंगे उसके हिसाब से टैक्स सरकार के पास पहुंचेगा, उसी के हिसाब से जो है सरकार अपना काम करेगा। कोविड इतनी बड़ी समस्या को लेकर सरकार इतना उलझ के, अभी जो हम बचे पड़े हैं इतने लोग, कितने लोग आबादी कितने मर गए और इतने लोग बचे हुए हैं, तो किन की देन है? सरकार की देन है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर हाँ, सरकार ने बहुत ही मेहनत किया है कोविड में, बहुत सरकार की अहम भूमिका थी, बहुत अहम भूमिका है, तभी इतना बड़ी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया गया, नहीं तो फिर तो बड़ी दिक्कत आ जानी थी पूरी दुनिया में, कैसे हाहाकार मचा था, हर जगह त्राही त्राही मची हुई थी, यहाँ पर फिर भी मिला जुला के ठीक था, काफी हद तक ठीक हुआ है, सरकार है तभी तो सब ठीक हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, वरना आम जनता तो कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, हाथ पे हाथ धर के ऐसे ही लड़ रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, अपने रोजगार। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा बोला महंगाई के बारे में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आइए भैया, आप आइए। अच्छा आपका नाम क्या सर? विशाल। अच्छा विशाल जी ये बताइए क्या काम करते हैं आप? डिजाइनर हूँ मैं। किस चीज़ का? फ्लेक्सर लाइन का। अच्छा ये बताइए विशाल जी की महंगाई के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है सरकार क्या करे, लोग टैक्स नहीं भरेंगे वो तो जनता को भोगना पड़ेगा। बिल्कुल, और जब हम टैक्स भरेंगे तो महंगाई ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, या सरकार अपने जो भी काम कर रही है वो सही कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये लग रहा है आपको कि जो महंगाई बढ़ रही है वो बिल्कुल ठीक है? हाँ, वो क्योंकि हाँ वो हमारे द्वारा बढ़ रही है ना महंगाई, हम अगर टैक्स भरेंगे टाइम टू टाइम तो महंगाई ऑटोमेटिक कम होगी, जब हम टैक्स नहीं भरेंगे तो महंगाई तो ऑलमोस्ट बढ़ेगी। नहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि जीएसटी की वजह से तंगी आ रही है। नहीं, जीएसटी सरकार अपने लिए नहीं बाकी हमारे लिए फायदा कर रही है। आज जो लोग चोर बाजारी कर रहे हैं तो उनको पैसे देना पड़ रहा है, ये तो भाई टैक्स तो देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, अगर गवर्नमेंट को हम टैक्स नहीं देंगे तो देश कैसे चलेगा? तो वही ना, तो लोग क्यों टैक्स नहीं दे रहे हैं, ये जनता की गलती है तो सरकार इसमें क्या कर सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, या फिर सरकार अपने काम कर रही है तो आप उसे पैसा दो, उसका टैक्स भरो, वो गलत मांग, अगर सरकार गलत मांग रही तो आवाज़ उठाओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपको लग रहा है कि जो भी मतलब गवर्नमेंट की तरफ से जो भी किया जा रहा है उसके बारे में वो सही किया कर रही सरकार? बिल्कुल सही कर रही है। उत्तर प्रदेश में देखिए आज लोग यही कह रहे हैं कि बाबा हर जगह आए, बाबा ने तो भाई अच्छा काम किया। जी, सरकार योगी सरकार ने किया है, हर एक सरकार करे तो लड़कियां चाहे लड़के एकजुट रहेंगे और एक बराबरी खड़ा हो जाएंगे। आज लड़के क्यों पीछे हो रही हैं? क्योंकि जानते हैं लोग कि नीयत में क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे हर एक बाबा, जैसे बाबा ने किया वैसे हर एक सरकार को करना चाहिए, तो ऑटोमेटिक हर एक चीज़ लाइन पर होगा। हाँ बाबा बिल्कुल, जो भी कदम उठा रहे हैं पब्लिक का बहुत तारीफ है इसके ऊपर। तो हम तो भाई उन्हीं के राज्य में रहते हैं और हम गर्व से कहते हैं कि हम वहाँ बाबा के राज्य के हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बोला इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर आपका नाम क्या है? नाम अनिल सुनार। अनिल सुनार जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? रहने वाले यहीं पे नोएडा सेक्टर 31। अच्छा, तो सर यहाँ कोई जॉब करते हैं आप? जी जॉब करते हैं। अच्छा आप ये बताएं कि महंगाई के बारे में आपका क्या कहना, थोड़ा सा अपनी राय रखें। महंगाई के बारे में तो अभी बहुत महंगाई है इस समय। तो जॉब में भी वही हाल है। अच्छा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल सभी चीज़ महंगाई है, आपको बताइए इस बारे में। अच्छा, मतलब क्या लग रहा है आपको कि सब चीज़ महंगी है? राशन महंगी है, किराए महंगा, हर चीज़ महंगा हो गया जब से बीजेपी आई है, तब से ज़्यादा महंगाई है। तो और आपको महंगाई के बारे में और भी कुछ कहना चाहेंगे योगी सरकार के या महंगाई के बारे में? नहीं, योगी सरकार तो बहुत अच्छे हैं वैसे। अच्छा, लेकिन महंगाई ज़्यादा है सरकार में तो। अच्छा सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम हीरा सिंह है।
हीरा सिंह। हीरा सिंह जी, आप क्या काम करते हैं? मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ। ग्राफिक डिजाइनर है, तो ये बताइए कि महंगाई के बारे में आपका क्या कहना है? महंगाई तो है, बिल्कुल है, और क्या नाम उसका, लेकिन जिस हिसाब से देश डेवलपमेंट हो रहा है उस हिसाब से महंगाई भी डेवलप हो रही है। महंगाई डेवलप हो रही है, तो क्या आपको लग रहा है कि विकास के लिए महंगाई जरूरी है? देखिए, जिनका इनकम सोर्स है और जो अच्छा सेटल्ड है उनके लिए तो ठीक है, महंगाई हो रही है, उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो नीचे जो है तबके के जो लोग हैं उनको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि अच्छा। उनका अगर एक रुपया भी दो रुपए भी किसी चीज में बढ़ता है, अगर मैं एग्जांपल दूं दूध का, अगर एक रुपया बढ़ता तो उनका घर का बजट ही बिगड़ जाता है पूरा का पूरा। तो नीचे तबके के लोगों के लिए महंगाई तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रखते है, लेकिन जो बड़े लोग है, जो लोग छोटे लोग उनके नीचे काम करते हैं, उनको बड़े लोगों को फर्क नहीं पड़ता महंगाई से, फर्क नहीं पड़ता। मतलब ज्यादातर मार छोटे लोगों पर ही है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो कई लोग तो कह रहे हैं जीएसटी वगैरह जब से आई है तब से ज्यादा कुछ फर्क पड़ गया, ऐसा लग रहा है आपको? हाँ, फर्क पड़ा है, क्योंकि लेकिन अभी भी लोग जो है प्रॉपर जो है जीएसटी का मतलब यूज नहीं, पता नहीं है लोगों को। अच्छा। जो छोटे लोग हैं उनको क्या, अगर उनको बोले जीएसटी का बिल ले लो, अगर कहीं भी शॉप में चले जाते हैं अगर हम बिल के लिए बात करते हैं, तो हमें अगर मैक्सिमम अगर मैं देखूँ तो मैं तो कई शॉपों में जाता कोई बिल ही नहीं देता है। अगर थोड़ा मेडिकल स्टोर पे चले जाओ तो बिल मिल जाता है, जो प्रॉपर जिसने शॉप खोल रखी है उस पर बिल मिल जाता है, लेकिन जो छोटी छोटी शॉप्स हैं जो कि अपने हिसाब से इन्होंने खोल रखी है, अगर रेजिडेंशियल एरिया है उसमें शॉप है, तो वो प्रॉपर बिल नहीं देते। अच्छा। तो उन लोगों को, कई लोगों को पता ही नहीं है कि जीएसटी है क्या उसका। तो दोस्तों देखिए, महंगाई के बारे में लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया रखी, जो जैसा उचित समझा वैसा वो बोला है, और हर किसी का अपना अधिकार बनता है क्योंकि हमारा संविधान सबको राइट देता है। तो मिली जुली प्रक्रिया है पब्लिक की, कुछ लोगों ने कहा कि महंगाई ज़्यादा है, कुछ लोगों ने कहा नहीं महंगाई ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं जीएसटी प्रॉब्लम कर रही, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं जीएसटी ठीक है, क्योंकि जीएसटी अगर लोग टैक्स नहीं देंगे तो सरकार कैसे चलेगी और देश तरक्की कैसे करेगा। तो सारा मिला जुला के प्रक्रिया है और आपने देखा है। तो दोस्तों अब यहीं पर आज का मैं अपना प्रोग्राम ख़त्म कर रहा हूँ। अगर हमारा चैनल पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय हिंद।